ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरून मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज थोड़ा एक्सरसाइज भी करेंगे, कुछ होमवर्क भी होगा आज, जस्ट के ये पता लगे कि हम कितना भगवान को स्मरण करते हैं या कितना भगवान के लिए करना चाहते हैं। तो ये श्लोक बहुत सुंदर है, यद करोषि यद अस्नाशी यद जुहोषि ददासी यत, यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। भगवान यहां कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो, लिस्ट निकालिए, पूरे दिन में हम क्या क्या करते हैं। आज के दिन में थोड़ा लिस्ट निकालिए कि हम क्या क्या करते हैं। प्रातः काल से अभी जैसे जप किया, फिर उसके उपरांत फिर कुछ माताएं शायद किचन में कुकिंग करेगी, कितना समय तक हम कुकिंग कर रहे हैं, या कुछ प्रभु जी लोग जो है जप के उपरांत दूसरा जो कार्य करते हैं। एक एक आज का एक होमवर्क है, जस्ट आप अपने पूरे दिन में क्या क्या कार्य करते हैं। तुम जो कुछ करते हो, भगवान कह रहे हैं तुम जो कुछ करते हो, मतलब जो जो कार्य हम आज के दिन में कर रहे हैं उसको लिस्ट निकालिए, जस्ट लिस्ट। जो कुछ खाते हो जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, भगवान कह रहे दान दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो, भगवान कह रहे मुझे अर्पित करते हुए करो। इसका अर्थ है कि हमें प्रसाद के अलावा और कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो भी कुछ हम ग्रहण करेंगे भगवान को अर्पित किए बिना, वो सब भोग होगा। और जो भी हम भोग करेंगे उसके निश्चित रूप से, जो भी कुछ भोग करते हैं वो निश्चित रूप से दुष्कार्य होगा, क्योंकि भगवान से संबंधित नहीं है इसलिए वो दुष्कर्म होगा। और उस कार्यों के फल को हमें भोगना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं इसे? इसीलिए एक छोटा सा होमवर्क है कि पता चले कि हमारे पूरे दिनचर्या में हम जो जो कार्य करते हैं कितना हम भगवान को समर्पित करके कर रहे हैं, तो पता चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि लिस्ट निकालिए
हम जो भी कार्य करते हैं जस्ट राइट डाउन, और कितने समय के लिए किया। अगर ऑफिस में कार्य कर रहे हैं तो कितने समय तक मैं ऑफिस में काम किया, ऑफिस में का भी कितना समय, हाँ, मैं ऑफिस का काम न करते हुए कुछ और किया। जस्ट लिस्ट निकालिए आज के दिन में एक ऐसा। भगवान यहाँ पे कह रहे जो कुछ तुम करते हो वो मुझे समर्पित करना है। तो लिस्ट निकालने के बाद सब, आज क्या क्या किया, क्या क्या खाया, कितने बजे उठा, कितने बजे सोया, ये भी तपस्या है। भगवान यहाँ कह रहे, या कितना किसको कुछ दिया या दान किया, ये सब लिस्ट निकालिए और उसके साथ थोड़ा अपना बुद्धि लगाकर उसे जोड़िए। क्या ये कार्य मैंने भगवान के लिए किया? आप समझ रहे हैं, क्या ये कार्य मैंने भगवान के लिए किया? तो ये कार्य मैंने किसके लिए किया, अपने लिए किया, क्या ये अपने बांधवों के लिए किया, मतलब अपने रिलेटिव्स, मतलब जैसे पत्नी के लिए कहो, पति के लिए कहो, बच्चों के लिए कहो, माता पिता के लिए कहो, या फ्रेंड्स के लिए कहो, या वॉट एवर जो भी है, जस्ट एक लिस्ट डाउन करना है। और जितना भी कार्य हम भगवान के साथ किए हैं या भगवान के लिए किए हैं उसका एक कॉलम बनाइए, और अन्य कार्यों का भी एक कॉलम बनाकर दो में डिवाइड कीजिए उसे। तो हमें पता चलेगा कि हमने कितने आज एक दिन में, मतलब आज के दिन में या एक दिन के जितने कार्य हुए हैं वो कितना भगवान के लिए हुए है और कितना हमारे लिए हुए या हमारे अपने लोगों के लिए हुए या अपने खुद के लिए हुआ है। एक नोट डाउन कर सकते हैं ऐसा एक होमवर्क। अगर ऐसे हम रोज इसका अभ्यास करेंगे उस पर से पता चलेगा कि हम भगवान को कितने समर्पित है। भगवान का कितना हम शरण ग्रहण किया है इससे पता चलेगा। जस्ट एक रफ, और भी बहुत डिटेल्स कुछ कर सकते हैं लेकिन जस्ट एक जानकारी के लिए कि हमारा अपना लेवल, भक्ति का लेवल कितना है, हम भगवान को कितना अपने आप को समर्पित किए हैं। इतना ही नहीं, और भी एक सूक्ष्म स्तर पर ऐसी भी बातें हैं कि विचार जो हम कर रहे हैं कार्यों के अलावा और भी कुछ चीजें हैं सूक्ष्म स्तर पर, हम विचार भी करते हैं, बैठे बैठे विचार भी करते हैं। तो जस्ट एक लिस्ट निकालिए कि ये मैंने इस पर ज्यादा ध्यान दिया था, इन चीजों पर मैंने विचार किया था, तो ये विचार भी भगवान से कितना संबंधित है। क्या भगवान के लिए मैंने ये विचार किया या अपने लिए विचार किया या औरों के लिए विचार किया। मनसा काया वाचा, और हम जो बोल भी रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो इन बातों में भगवान को संतुष्ट करने हेतु कितने बात हो रहे हैं, कितनी बातें हो रही है। कभी कभी भगवान से संबंधित हम बोलते हैं जैसे क्लास या कोई श्रोता या वक्ता बोल रहा है, श्रोता सुन रहा है, तो हमारी जीवा भी पता चलेगा कि कितना भगवान में एंगेज्ड है, प्रजल्प कितना है, या अन्य भगवान से अलग कितने बातें हम कर रहे हैं या भगवान से संबंधित कितने बातें हम कर रहे हैं। एक दिन की मेहनत है,
इसको हम रिवाइव करेंगे कुछ दिन, अगर इसका अगर अभ्यास करते हैं हम एवरी डे, इस तरह से लिस्ट निकालते हैं, हम नए ऑफिस में प्लानिंग करते हैं, जैसे ही सुबह कोई आप देखिए कोई भी सीईओ कहो या कोई अच्छे पोस्ट में जो व्यक्ति है एग्जीक्यूटिव कहो, ये पूरे दिन का प्लानिंग करता है कि नहीं, आज मुझे ऑफिस में जाकर ये कार्य करना है, इसको इसको मिलना है, इसको जाके प्रेजेंट करना है, ये सारे सारे प्लानिंग करके पूरा दिन अपना उसमें बिताता है। Am I right? सत्य है कि नहीं देव की जीवन? Am I right? तो प्लानिंग करते हैं ना ऑफिस में हम इस तरह से, आज के पूरे दिन में हमें क्या करना है, या घर जाने से पहले ये सारी चीजें होंगे क्या नहीं, और वो करते भी है, और जिस तरह से वो करते हैं करने के कारण अपने फल को अपने गोल को वो अचीव कर पाता है और आगे चलकर उसको प्रमोट किया जाता है या प्रमोशन मिलता है। उसी तरह से हम थोड़ा रिवर्स जा रहे हैं, है ना, वो ऑफिस में या कोई कर्मी व्यक्ति कार्य करने से पहले उसको प्लान करता है मुझे क्या क्या करना है आज के दिन में, लेकिन हम क्या करेंगे, लिस्ट निकालेंगे हम क्या क्या कर रहे हैं पूरे दिन में, हम क्या क्या कर रहे हैं उसका लिस्ट निकालेंगे और सोने से पहले उसको हम एनालाइज करेंगे कि आज मैंने ये कार्य किया था ये भगवान से कितना संबंधित है, आज मैंने इस बारे में सोचा था, इस व्यक्ति का विचार किया था, तो इस ये भगवान के विषय में कितना संबंधित है, आज मैंने कुछ किसी को दिया था तो ये भगवान से संबंधित कितना है। जस्ट लिस्ट डाउन, और वो सब लिस्ट निकालने के बाद दो कैटेगरीज बनाइए, एक सब भगवान से संबंधित कार्य और एक सब अपने स्वजन और अपने के, मतलब खुद के लिए किए हुए कार्य जो भगवान से संबंधित नहीं है। ऐसे दो लिस्ट निकालकर जस्ट टैली करो कि कहाँ का पर्दा भारी हो जाता है, यहाँ पे ज्यादा है कि यहाँ पे ज्यादा है, उससे पता चलता है कि हम कितना कॉन्शियसनेस हमारा जो है भगवान से संबंधित है, भगवान का स्मरण कितना कर रहे हैं, भगवान के लिए कितना कार्य कर रहे हैं, भगवान के लिए कितना बोल रहे हैं, भगवान के लिए कितना दे रहे हैं, मनसा मन काया शरीर वाचा बोल राशि धन, ये चार जो चीजें हैं खास करके, तो भगवान कह रहे हैं जो भी कुछ करते हो, खाते हो पीते हो, कोई कार्य करते हो, कोई दान देते हो, तपस्या करते हो, जो भी कुछ है वो मुझे अर्पित कर कीजिए, मुझे अर्पित कर कीजिए का अर्थ है हमें भोग नहीं करना है, हमें प्रसाद ग्रहण करना है। कोई भी कार्य भगवान से संबंधित हो जाता है तो प्रसाद के फॉर्म में हो जाता है या वो अकर्म बन जाता है, साधारण कर्म और विकर्म नहीं होता, अकर्म बन जाता है। तो इस तरह से कैटेगराइज करेंगे हम, तो ये भगवान जो वचन कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो ये भगवान के वचन हम कितना पालन कर रहे हैं ये पता चलता है। जस्ट डू इट आज के दिन में, और आज के दिन में आप करने के बाद जपा टॉक में इसे डाल सकते हैं एज अ होमवर्क इन द इवनिंग, जपा टॉक में इसे डाल सकते हैं, एक छोटा सा होमवर्क है। आई नो दैट 36 लोग और अटेंडेंस भी लिया जा रहा है, तो जितने भी लोग बैठे हुए हैं आज के जपा टॉक में, आज का एक कार्य है
दिस इज ऑल्सो अ सेवा, ये सर्विस है, भगवान का स्मरण दिलाता है ये। तो इस तरह से हम करेंगे तो वी विल सी दैट कि कितना। और ऑफ कोर्स कोई मतलब झूठ भी डालने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं किया है तो भी हम जस्ट डाल रहे हैं, ऐसे मत कीजिए। आई नो दैट यू आर सिंसियर, हम जब कर रहे हैं प्रतिदिन बैठकर, तो भगवत भावना जो है वो हमारे हृदय में जागी हुई है। सो देर इज नो नीड टू टेल लाइज कि मैंने ये किया भगवान के लिए, वो किया भगवान के लिए। तो आज के दिन में आप जो भी कार्य कर रहे हो, जस्ट सिंसियरली, एंड सिंसियरिटी भी जो है ये भी भगवत सेवा है। सिंसियरली आप नोट डाउन कर आज के दिन में डालिए, तो पता चलेगा कि कौन कितना कार्य कितने हैं क्या नहीं, और आप खुद भी रियलाइज करेंगे कितना मैं भगवान का स्मरण करता हूँ, भगवान के लिए कार्य करता हूँ, या भगवान के इस वचन जो है कि कितना मैं भगवान के लिए करता हूँ। जैसे यहाँ पे कहा गया है, यद करोषि यद अस्नाषि यद जुहोषि ददाति ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय हे कुंती पुत्र। यहाँ पे हे कुंती पुत्र का अर्थ है हम सब के लिए, हम सब कितना क्या क्या करते हैं भगवान को अर्पण करते हुए। सो पता चलेगा कि हम कितना भोग कर रहे हैं और कितना हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, प्रसाद का अर्थ यहाँ पे सिर्फ खाना नहीं है, भगवान से सारे संबंधित कार्य को जब हम अपनाते हैं वो प्रसाद है। भगवान से सारे संबंध, भगवान से जो कार्य जुड़े नहीं है या संबंधित नहीं है वो सब भोग में गिना जाता है, और उस भोग का हमें फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो या तो साधारण कर्म होगा या विकर्म होगा, वो कदापि अकर्म नहीं होगा। तो जस्ट डू दैट एंड प्लीज लेट मी नो। तो हम थोड़ा अपने आप को थोड़ा एनालाइज करेंगे, निंदा करना किसी की वो भगवत भावना में नहीं आता है, ये ध्यान में रखिए। हम बोलते भी है तो कभी कभी ऐसे होता है, तो सी दैट कि क्या क्या हम कितना समर्पित है भगवान को, इसको हम आज के दिन में परखेंगे। अगर किसी भक्त को ये बहुत अच्छा लगता है, यस दिस इज अ नाइस आइडिया, ये अच्छा अभ्यास है, तो रोज रात को सोने से पहले इस तरह से हम नोट कर सकते हैं कि कितना हम आज के दिन में भगवान के लिए कर रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कितना दान दिया। ये रोज का अगर अभ्यास हो जाता है तो आप देखिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जब हमारे आँखों को दिखने लगता है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ रोज, उसमें निश्चित रूप से सुधार आती है। हमारे आंखों के सामने है, मेरा ये कल का चार्ट, ये आज का चार्ट, ये परसों का चार्ट, ये रोज चार्ट जब बन जाता है और हम कितना समर्पित हो रहे हैं भगवान के, हाँ, तो आई गारंटी दैट कि 6 महीने के बाद आपके चार्ट का नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि हमें दिखता नहीं है, हम रोज जो कार्य करते हैं उसका स्मरण नहीं करते हैं, और वो दिखता भी नहीं है, वो कल क्या किया, वो परसों क्या किया, हाँ चलो छोड़ दो। तो सुधारने का प्रयास हम नहीं कर पाते जब तक हमारे सामने कुछ होता नहीं कि हमने क्या क्या किया है। इसलिए चार्ट बनाएंगे हम, या कुछ ऐसा लिस्ट निकालेंगे रोज कि ये कल का, परसों का, एक हफ्ते पहले का, हाँ, इस तरह से हम करते रहेंगे तो हमें पता चलेगा, हम देख पाएंगे कि मैं कितना इन्वॉल्व हूँ भक्ति में, भगवान के इस वचन का मैं कितना पालन कर रहा हूँ,
यद करोषि यद अस्नाशि का, कितना पालन कर रहा हूँ। तो नेचुरली जब हमारे सामने ये पेपर्स रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सुधार होगी, हम करने का प्रयास जरूर करते हैं, क्योंकि हमारे सामने कुछ नहीं है जो बीते हुए कल का हमने क्या क्या किया, तो वो हवा में फिर हमारा पूरा जीवन ऐसा ही चलने लगता है। फिर सामने रहेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको देखते रहेंगे, तो पता चलेगा अरे अरे मैंने ये कार्य, कितने कार्य ऐसे भगवान से संबंधित नहीं है ऐसे किए हैं, तो मुझे थोड़ा अपग्रेड होना चाहिए, करना चाहिए। इस तरह से करते रहेंगे, ऐसा रोज अभ्यास होगा तो कितना सुंदर होगा। और इस श्लोक के मतलब इस श्लोक के माध्यम से हमें ऐसा ही करना चाहिए जो मैं कह रहा हूं। रोज नोट डाउन कीजिए, लिस्ट निकालिए, तो फाइनल दो कॉलम बनाइए, भगवान के लिए कार्य और अपने लिए कार्य, ऐसे बनाइए तो पता चलेगा। ठीक है, ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाए, हरि नाम संकीर्तन की जाए, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।